प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 10 के अंतिम वीडियो थ्योरी के वीडियो को उपलब्ध कराने जा रहे हैं और वो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डॉपलर का प्रभाव। जो बच्चा मेरी वीडियो पहली बार देखने लग रहा है, बेटा इकाई 1 से इकाई 10 तक का संपूर्ण पठन पाठन सामग्री मतलब संपूर्ण आपका सिलेबस वीडियो के रूप में उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको संपूर्ण सिलेबस मिलेगा। तो हम आते हैं आज आप अपने डॉपलर के प्रभाव पे। ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव का प्रभाव क्या था? डॉपलर किसका प्रभाव है? डॉपलर का प्रभाव। अगर आप कभी रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए और एक ट्रेन आपके पास आ रही है, जैसे ट्रेन आपके पास आती जाती है और जो उसकी इंजन की सीटी बजती है, विसल बजती है, उसकी आवृत्ति जैसे जैसे ट्रेन आपके पास आती है बढ़ती हुई महसूस होती है, बढ़ती हुई सुनाई देती है आपको। जब आ जाती है फिर जब आपसे दूर जाने लगती है तो उसी इंजन की सीटी की आवृत्ति आपको घटती हुई महसूस होती है। कैसे होती है? घटती हुई महसूस होती है। जो इंजन आवाज को उत्पन्न कर रहा है उसे स्रोत कहते हैं और जो हम रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं हमें क्या कहते हैं? श्रोता कहते हैं। जब स्रोत और श्रोता के बीच में आपेक्षिक गति होने से उसकी आवृत्ति में उतार या चढ़ाव होते हैं, मतलब जब पास आ रहा है तो बढ़ती हुई महसूस हो रही है, दूर जा रहा है तो घटती हुई महसूस हो रही है, मतलब ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन महसूस होता है, अनुभव होता है इस घटना के, किसके? जब स्रोत और श्रोता एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं, तो स्रोत श्रोता की ओर या श्रोता स्रोत की ओर या दोनों एक दूसरे की ओर या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इस घटना को डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। फिर सुनिए, स्रोत और श्रोता के सापेक्ष गति के कारण स्रोत की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अब डॉपलर प्रभाव के लिए तीन कंडीशंस हैं। पहला, केवल ध्वनि स्रोत गतिवान है। कैसे? ये हमारा ध्वनि स्रोत है, ये हमारा श्रोता है, ये गतिमान है। कितने वेग से? v। और वायु का वेग कितना है? v। ध्वनि में वायु में चाल। हम क्या कर लेते हैं इसमें बेटे? हमने क्या करा? एक स्रोत जा रहा है हमारा, ठीक है, और जो तरंगे उत्पन्न कर रहा है वो कितनी जा रही है, उसका वेग कितना है? v। ध्वनि की वायु में चाल v, श्रोता की चाल vs। अब ये नेक्स्ट सिचुएशन में यहां पहुंच गया, दूसरी स्थिति में यहां पहुंच गया, ये श्रोता वहीं का वहीं रहा, ये यहां पहुंच गया। जब ये चल रहा था तो इसकी जो तरंग धैर्य थी लैम्डा, n इज इक्वल टू किसके बराबर था? v अपॉन लैम्डा के बराबर था। किसमें? फिगर फर्स्ट में। जब ये फिगर सेकंड में पहुंचा, यहां पे स्रोत यहां पे पहुंच गया, तो अब जो तरंग धैर्य उत्पन्न होगी, अब इसने vs दूरी तय करी। पहले एक सेकंड में वी मीटर चल रहा था, अब कितना? वी माइनस वी एस मीटर चल गया, अब कितनी दूरी बची? वी एस दूरी चल गया, अब कितनी दूरी बची? वी माइनस वी एस। तो आभासी तरंग धैर्य कितनी होगी? आभासी तरंग धैर्य लैम्डा डैश वी माइनस वी एस अपॉन एन। आभासी आवृत्ति कैसे सुनाई देगी उसे? आभासी आवृत्ति सुनाई देगी n डैश इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा डैश v माइनस वी एस अपॉन n। तो n डैश क्या हो गया? n v अपॉन v माइनस वी एस। ये आपको क्या मिलेगी? आभासी तरंग धैर्य मिलेगी।
और क्योंकि इसका मान आप देखो वी अपॉन वी माइनस वी एस का मान एक से बड़ा है, एक से बड़ा है, तो आवृत्ति क्या होगी आपको बड़ी वी महसूस होगी। अब यही स्रोत अगर दूर जा रहा है श्रोता से, ये स्रोत है, ये श्रोता है, दूर जा रहा है, तो आभासी आवृत्ति क्या हो जाएगी आपकी वी अपॉन वी प्लस वी एस, वी अपॉन वी प्लस वी एस का मान एक से कम है इसलिए आवृत्ति भी कैसी सुनाई देगी, कम सुनाई देगी। ये केस था कब था, जब केवल ध्वनि स्रोत क्या था, गतिमान था। अब क्या केस आएगा, अब केवल श्रोता गतिमान है। अब कौन गतिमान है, केवल श्रोता, और स्रोत क्या है, स्थिर है। देखो अब क्या गतिमान है, अब श्रोता, केवल श्रोता गतिमान है। ये स्रोत है, अरे यार ये देखो ये आपका स्रोत हो गया और ये होगा श्रोता। अब गतिमान है ये स्थिर है, ठीक। अब ये स्रोत, अब ये श्रोता कितने वेग से चल रहा था, वी नॉट, अब ये इतने पास आ गया। देखो जब ये पास आ रहा है, ये वी नॉट वेग से चल रहा है, तो जो आभासी तरंग देने सुनाई देंगी वो तरंग दे रहे प्लस वी जीरो नॉट बाय लैम्डा। इतनी जब ये इस स्थिति में आ जाएगा, ये फिगर फर्स्ट है आपकी, ये फिगर सेकंड है। जब ये पास आ गया, जब ये पास आ गया, जो आभासी तरंग दे रहे सुनाई देगी वास्तविक तरंग दे रहे, तो जितने वेग से ही आगे चल रहे उतनी तरंग दे रहे बढ़ रही है इसकी वी जीरो अपॉन लैम्डा। एन वी जीरो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी वी बाय एन, वी बाय एन। तो एन डैश कितना हो जाएगा आपका, एन प्लस एन वी नॉट अपॉन वी, एन डैश इज इक्वल टू एन वन प्लस वी नॉट अपॉन वी, एन डैश इज इक्वल टू एन वी प्लस वी नॉट अपॉन वी। देखो यहां पे वी प्लस वी नॉट अपॉन वी का मान क्या है, वन से ज्यादा है, तो तरंग धैर्य क्या हो जाएगी, आवृत्ति जो होगी बड़ी वी सुनाई देगी। यहां पे वी प्लस अगर ये दूर जा रहा है, अब ये स्रोत है और ये स्रोत है, ये श्रोता स्रोत से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो तरंग धैर्य क्या हो जाएगी, एन वी माइनस वी नॉट अपॉन वी, यहां पे वी माइनस वी नॉट अपॉन वी का मान एक से कम है तो आवृत्ति क्या होगी, घटी हुई सुनाई देगी। ठीक है, अब हम तीसरा केस लेंगे, जब स्रोत और श्रोता दोनों गतिमान हो, जब स्रोत और श्रोता दोनों ही गतिमान होंगे हम वो वाला केस लेंगे। जब स्रोत और श्रोता दोनों गतिमान है, हम कौन सा केस लेने जा रहे हैं, जब स्रोत और श्रोता दोनों गतिमान है। थर्ड, जब
श्रोत्र तथा श्रोता दोनों गतिमान हैं। देखिए ये श्रोत्र है अपना, ये श्रोता है। श्रोत्र श्रोता के पास आ रहा है और श्रोता दूर जा रहा है। श्रोत्र श्रोता के पास आ रहा है और श्रोत्र श्रोता दूर जा रहा है। श्रोत्र श्रोता के पास जा आ रहा है तो n इज इक्वल टू n v अपॉन v माइनस वी एस। अब श्रोता दूर जा रहा है तो उसे आवृत्ति कैसे सुनाई दे रही है? n1 क्या हो जाएगी जो सुनाई देगी? v हो जाएगी n1 v प्लस v v माइनस v नॉट दूर जा रहा है अपॉन v। तो अगर इसमें मान रखेंगे हम n1 का n v अपॉन v माइनस वी एस v माइनस वी नॉट अपॉन v, तो आपको क्या मिल जाएगा? n डैश इज इक्वल टू n v माइनस वी नॉट अपॉन v माइनस वी एस। ये पहला केस इसमें लेते हैं। इसमें अगर दूसरा केस लेते हैं, अब क्या हो रहा है? अब श्रोत्र श्रोता के पास जा रहा है और श्रोता श्रोत्र के पास आ रहा है, तो इसमें आवृत्ति क्या हो जाएगी? n, ये श्रोता पास आ रहा है v प्लस वी नॉट, श्रोत पास आ रहा है v माइनस वी एस। थर्ड केस में अब श्रोता दूर जा रहा है और श्रोत्र दूर जा रहा है, श्रोता पास आ रहा है, श्रोता पास आ रहा है v प्लस वी नॉट, ये दूर जा रहा है v प्लस वी एस। ठीक, अब चौथी सिचुएशन में क्या होगा? श्रोता भी दूर जा रहा है और श्रोत्र भी दूर जा रहा है, तो इस केस में n क्या हो जाएगा? n v माइनस वी नॉट बटे v प्लस वी एस। इस पे वायु के वेग का भी प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? वायु का अगर प्रभाव निकालेंगे, वायु के वेग का प्रभाव कितना है? ओमेगा मान लेते हैं, विंड वेलोसिटी। तो एन डैश कितना हो जाएगा? एन उसी दिशा में बह रही है जिस दिशा में हम चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? वी प्लस ओमेगा माइनस वी नॉट, वी प्लस ओमेगा माइनस वी एस। अगर अपोजिट चल रही है उसके, तो क्या हो जाएगा? एन डैश एन वी माइनस ओमेगा माइनस वी नॉट, वी माइनस ओमेगा माइनस वी एस। इस तरह से आपको सिचुएशन मिल जाएगी। ये कौन सी वाली सिचुएशन ली थी हमने? पहले वाले केस से। बच्चों, डॉपलर के जो कुछ अनुप्रयोग है उसमें क्या होता है? हम वायु के उड़ते वायुयान का वेग का अनुमान लगाने में डॉपलर के प्रभाव का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई वायुयान जा रहा है, हम रडार से क्या करते हैं, कौन सी जो माइक्रोवेव है, माइक्रो तरंगों को हम भेजते हैं रडार से, रडार स्टेशन से भेजी जाती है। ये जब वायुयान से टकरा के आती है, और अगर ये परावर्तित होकर आ रही है जब किसकी ओर, रडार की ओर आती है, और ये आवृत्ति बड़ी हुई मिलती है, तो मतलब वायुयान हमारे पास को आ रहा है, और ये घटती हुई महसूस होती है तो वायुयान हमसे क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। बच्चों, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको जो भी वीडियो उपलब्ध हो साधारण सरल भाषा में हो। आज खुशी का दिन इस बात का है कि आज हमने संपूर्ण जो थ्योरी पोर्शन है उसकी वीडियो आपको उपलब्ध करा दी है। जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सिलेबस पूर्ण कर दूंगा थ्योरी का, आज मैंने पूर्ण कर दिया बेटे। तो मेरे वीडियो को लाइक बनता है, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।